सा मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, जनवरी का दिन चल रहा है और मुझे लगता है कि बहन कुमारी मायावती का शायद इस महीने जन्मदिन भी आता है, और जब भी कोई जन्मदिन आता है तो बहन कुमारी मायावती के लिए बहुत सारा चंदा इकट्ठा करा जाता है पूरे देश से, तो क्या कारण है कि जो चंदा इकट्ठा करा जाता है और वो कहाँ जाता है चंदा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और बहन कुमारी मायावती साहब काशीराम साहब के साथ भी आपने बहुत लंबा समय व्यतीत किया है। ये बहुत अच्छा सवाल है, चूँकि ये जनता का सवाल है और इस पर लोग सवाल उठाते भी हैं, आरोप भी लगाते हैं, दोनों चीज़ें। और पीछे दिनों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी मतलब जो काफ़ी घटा है पहले से बढ़ने की जगह, जी ये चिंता का विषय ज़रूर है जी। और इसमें ये जो आप बोल रहे हैं ये भी एक विषय है जिसके ऊपर लोग इसको चर्चा करते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन उसमें जो उनका जो सिस्टम है जी, इस सिस्टम में आपने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं किसी स्टेट में सत्ता में बनी रहती हैं और उनका एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूंजीपति है, जिसमें आपने मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इसमें देश भर में जो 1% वर्ग है, 1% के पास में कितनी पूंजी है, 73% जी देश की पूंजी है। तो वो जो पूंजीपति वर्ग है वो उसको बहन जी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं जी। और जब काशीराम साहब ने जब ये आंदोलन चलाया था बहुजन समाज बनाने का जी, उस समय उनके सामने सबसे बड़ी जो अड़चन आई थी पैसे की आई थी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जब अपना आंदोलन चलाया था तो उनके लिए भी सबसे बड़ी अड़चन जो पैसे की आई थी जी। जब वो कोई स्कूल की बात करते थे, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की बात करते थे तो उनको पैसा देते थे लोग, जब वो धर्म की बात करते थे बौद्ध धर्म की तब भी पैसा देते थे जी। और जब बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति की बात करते थे तो कहते थे कि भाई राजनीति तो हमारे लिए, तुम कैसे कर रहे हो जी। तो वो उसके लिए सपोर्ट नहीं करते थे बल्कि उनके लिए गिराने की कोशिश करते थे जी। आपने देखा होगा कांग्रेस ने उनके लिए खुद गिराया था जी। खुद मतलब हराया था उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। और काशीराम साहब भी जब उसकी दलित कल्याण की और उसकी बात करते थे तो वो कहते थे ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब उन्होंने कहा राजनीति की बात उन्होंने शुरू करी तो उसके लिए जो है उन्होंने डिफीट करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी जो अड़चन थी उनकी मतलब जो उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया था वो तीन लोगों ने उनको नुकसान, तीन वर्गों ने नुकसान पहुंचाया जी। वो अपने उसमें लिखा भी है मनी मनी मतलब जो धनवान लोग थे जी, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, माफिया जो गुंडे लोग थे उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, और मीडिया उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं, मनी माफिया और मीडिया, तीन जो वर्ग हैं इस देश के वो मतलब कांग्रेस और भाजपा की सरकार को तो चाहते हैं जी। और दूसरे भी आ जाए कोई, लेकिन बहुजन समाज जो मतलब एक कमजोर वर्ग को मतलब ताकत देना चाहता है जी, तो उसके लिए वो इस देश के अंदर नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि कमजोर वर्ग का जो लीडर है जी, वो कमजोर ही नजर आए जी। कमजोर वर्ग का जो लीडर है वो दरिद्र नजर आए, कमजोर वर्ग का जो लीडर है वो लाचार नजर आए, ऐसा वो लोग चाहते हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आपने देखा होगा कि जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था तो वो आधी धोती पहनते थे, नंगे रहते थे जी, क्योंकि उन्होंने कहा था बाबा साहब ने कि इसका जो समाज है उनके पास में मकान दुकान कपड़े लत्ते सब कुछ है, इसलिए इनका लीडर जो नंगा होकर घूम रहा, क्योंकि उसे पता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे लोगों का। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोग नंगे हैं, वो तो उनके सारे ही लोग नंगे हैं पूरे समाज के, तो उनका लीडर भी अगर नंगा रहेगा तो फिर उनके लिए कैसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो उनकी प्रेरणा देने के लिए वो कोट पैंट टाई पहन करके, और सबसे ज्यादा चौके बिना पढ़े लिखे थे तो कह रहे कि सबकी भरपाई मैं करूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा कि लोग कहेंगे इनका लीडर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है जी। इनका लीडर मतलब जो है सबसे ज्यादा खूबसूरत है जी। इनका लीडर जो है पैंट कोट टाई में रहता है जी। सब लोग मतलब अंग्रेजी नहीं बोलना जानते हैं, लेकिन उनका लीडर जो है ब्राह्मणों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलना जानता जी। तो उस समय वो करके दिखाया जो मतलब उनके लीडर जो है नहीं कर पा रहे थे जी। तो इसी तरह से काशीराम जी ने भी कहा कि भाई सामंतों के लिए अगर मुझे सही करना है जी, तो मेरे लिए सामंत जैसा बनना पड़ेगा। लोग कहते थे कि सबको जमीन पे बिठाता है, कुर्सी पे बैठता है। पीपल सर, मैं अपना सवाल दोबारा से कर देता हूँ कि मैंने कहा था बहन कुमारी मायावती जो अपने जन्मदिन पे चंदा इकट्ठा करती है, उसका क्या विशेष? मैं बिल्कुल वहीं पे घूम के आ रहा हूँ, मुझे लगा था मैं भटका नहीं हूँ। तो ये इसका मतलब जो है जैसे जो मतलब कमजोर वर्ग है जी, जो दरिद्र वर्ग है जिसके पास पैसा नहीं है जी, गरीब है जी, उस वर्ग का रिप्रेजेंट बहन कुमारी मायावती करती है जी, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है। तो अगर उनका वो गरीबी दरिद्री नजर आएगा जी,
तो उसके लिए तो कभी भी गिराया जा सकता है जी। उन्हें पता लगेगा कि अब इनको, इनके पास बल है, इनके पास धन बल भी है, कह रहे अब इसको गिराया नहीं जा सकता धन से, चूंकि धन बल है। अब इसके पास में जनबल भी है, जनता है, बड़ी बड़ी सबसे बड़ी रैलियां मायावती की होती हैं, तो इसको जनबल के आधार पर भी नहीं गिरा सकता। इनके पास शक्ति बल भी है, कहते हैं हाँ भैया अब तो जेट सिक्योरिटी फोर्स घूमती है जी। इनके ऊपर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। तो उनका जो जो वर्ग है जी, उनके जो लोग हैं, उनके वोटर हैं जी, वो जो है काफी उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं जी। आपने सुना होगा पीछे लोगों ने कहा कि हीरे का हार पहनती हैं ये जी, बिल्कुल, ये मतलब ये सोने चांदी से लदी रहती हैं, नोटों की माला पहनती हैं। तो उनके लोगों ने ये कहा था जी, कि हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा लीडर जो हमारे पास में मतलब नहीं है जी, तो हमारा लीडर जो है ये अच्छा मतलब लगता है, तो उनको देख करके जलन होती है या खुश नहीं होते लीडर को देख करके। और ये पैसा जो है उन्होंने क्या नाम है, जो चंदा जो देते हैं लोग, टिकट वाले जो लोग हैं जी, उनसे एक तरह से सहयोग राशि ली जाती है जी। और वो ये कहती हैं कि ये जो पैसा है जी, तुम्हारे झंडे हैं, बैनर हैं और ये जो खर्चा होता है उसमें मैं इसको लगाती हूँ, पैसा उसमें खर्च होता है जी। और उन्होंने मतलब जो ऑफिस है इसके बहुजन समाज पार्टी के अपने कार्यालय उन्होंने बनाए हैं हर एक स्टेट अपने, उससे खर्चा भी वहां से चल रहा है जी। उसके साथ साथ उस कार्यालय के ऊपर गाड़ियां भी हैं जी, कि गाड़ियां भी उनके लिए दी हैं, जो प्रभारी लोग मतलब उधर जाते हैं उनको रखा गया है जी। तो लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने उस पैसे को अपने पार्टी के उसमें काम में लगाया है, और यही कारण है कि आज जो पार्टी भले ही कमजोर हो गई है लेकिन खत्म नहीं हुई है और स्टेबल है जी। उसका कारण यह है कि उसने सस्टेन करके उसको जी रखा हुआ है। और जैसे ही आप देखते हैं कि मौसम अच्छा आया था, सूखा पड़ा हुआ है जी, तो दो साल सूखा पड़ गया तो एक साल अच्छी बारिश हो गई जी, तो उसमें काम जो है अच्छा बन जाता है अच्छा। तो इस बार जो है बारिश मतलब अच्छी हो रही है जी, और मैं समझता हूँ कि जो जो आलोचना करने वाले लोग हैं और जो ये बात बोलने वाले लोग हैं वो अपने आप ही कहने लगे हैं कि इन्होंने मतलब सही काम किया है। जब गिरते हैं तो कहते हैं कि गलत काम किया है, जब उठते हैं तो कहते हैं कि भाई बहुत सही काम किया, सही काम किया। आपने किसी विपल साहब जिन्होंने बताया कि जो बहन कुमारी मायावती चंदा लेती हैं या अपने जन्मदिन पे सहयोग राशि लेती हैं, वो पूरा उससे एक साल खर्चा चलाती हैं, पूरे देश के अंदर नेशनल लेवल की पार्टी है, उस पर पूरे खर्चे रहते हैं, उस पर झंडे, बैनर, उनके ऑफिस की मेंटेनेंस और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो वो दिखाई भी नहीं देते हैं।